कभी ना रुके। नींद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। हम सभी और क्या ऐसा बनता है कागज को मौसम को लेकर और तब ये कार्यक्रम और नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं है, यह जो पर्व है बहुत संघर्ष और बलिदान दूसरों की दूसरे लोग भी स्वतंत्र रहे, हम आजाद भय या महसूस करें और ध्यान रखें कि दूसरे भी स्वतंत्र है, उनको भी आजादी का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, कुछ कार्यक्रम भी इस बार तय हुआ है। बच्चों ने कहा कि सर जो कुछ गीत गाना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, उस प्रकार का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन बगल के विद्यालय में भी ध्वज उत्तोलन होना है, इसलिए हम अतिथियों से आग्रह करेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद लेकर के और आप लोग बगल विद्यालय में भी आज का कार्य संपन्न करिए। मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बने रहिए, आप लोगों को प्रसाद वितरण कर दिया जाता है, फिर आप लोग
थोड़ा सा छाया देख करके और बैठ जाएंगे लेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, धन्यवाद। अमित जी बट बेटा तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई पूछना उसे, मेरा वादा निभाएगा, सरहद से कहकर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहन कहना उसे, मुझे उसका तोहफा याद है।